अस्सलाम वालेकुम यार। तो आज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं कि आप सल्तनत रोल प्ले या कोई भी आरपी जो है किस तरह खेलेंगे। सही है। सबसे पहले आपको किसी भी आरपी को खेलने के लिए अपने क्रोम पे जाना है, ठीक है। और आपको क्रोम पे जाके 5M सर्च करना है, ठीक है। अच्छा, आपको जो है आरपी खेलने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास ओरिजिनल पीटीए अप्रूव सही वाला जीटीए अवेलेबल होना चाहिए, जो आपने या तो स्टीम से या एपिक से या रॉकस्टार से वो किया हुआ। उसके बाद आपको डाउनलोड क्लाइंट पे जाना है, ठीक है। ये सब कुछ एग्री शैगरी कर करा के ये डाउनलोड कर लेना है आपको, उसको जहाँ पे भी करना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। अच्छा, इसके बाद जो है जब आप डाउनलोड कर लेंगे इसको, तो आपके पास इस तरह का एक आइकन शो होने लग जाएगा अपने डेस्कटॉप पे। इसके बाद आप इसको खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पर आप इसको खोलेंगे तो बहुत सारी डाउनलोडिंग होंगी, क्योंकि 5M खुद भी डाउनलोड होता है। मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है तो ये होता है। बाकी इसके बाद जैसे कि मैं सल्तनत रोल प्ले खेलता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट सर्वर है अगर आप एक एंट्री लेवल आरपी करना चाहते हैं। बाकी आरपी के बहुत सारे सर्वर्स भी हैं, आप यहाँ पर जाके उनको सर्च करके चेक कर सकते हो। लास्ट टाइम मैं पैराडाइज खेलता था, पैराडाइज भी आपको मिल जाएगा, वो भी एक अच्छा सर्वर है एशिया का। मैंने इन दोनों सर्वरों में ही खेला है अब तक, सही है। तो उसके बाद जो है आपको ये सतना रोल प्ले पे जाके वो करना है। अच्छा, एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको जब आप यहाँ पे होंगे, अगर आपने तो है GTA स्टीम से ख़रीदा हुआ है, एपिक्स खरीदा, जिससे भी आपने ख़रीदा हुआ है, आपको बैकग्राउंड पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एपिक्स से है, बट ये जो 5M का वेरिफिकेशन होती है ना, जैसे कुछ सर्वर्स की वो होती है, क्या कहते हैं, डिमांड होती है, मेरा एपिक का GTA जो मैंने परचेस किया हुआ है, ठीक है। मगर जो जो सर्वर हम खेलते हैं, बहुत सारे सर्वर पैराडाइज में ऐसा होता है कि आपको जो 5M आपका GTA है वो आपको एपिक वाला यूज़ नहीं होगा, 5M उसका स्टीम वाला यूज़ होगा। उसके लिए आपको बैकग्राउंड पे ये नहीं कि आपको दोबारा जाकर गेम ख़रीदनी है, जैसे मेरे पास गेम ख़रीदी भी नहीं है मैंने यहाँ पे ना, तो आपको दोबारा गेम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिर्फ 5M को लॉन्च करने से पहले आपने सिर्फ स्टीम को बैकग्राउंड में खोल के रखना है, ठीक है। आप दोबारा 5M खोलेंगे वरना आपका क्लाइंट का इशू आएगा और फिर आपका कनेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप ये खोलेंगे, जैसे हम सल्तनत रोल प्ले खेलते हैं, तो इसके बाद जो है आपने यहाँ पे लगे कनेक्ट करना है इसको। इसकी सारी जो रिसोर्सेज वगैरह होती हैं आपके लिए, पहले से कनेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा मगर टाइम लेगा कनेक्ट करने में उसको। जो सारी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे मेरी वेरीफाई हो रही है, आप लोग भी डाउनलोड होंगी, ठीक है। आपने इसको करना है, फिर ही कनेक्ट होगा। ऐसे जो है आप एंटर हो जाओगे। बाकी जैसे कि मैं लास्ट टाइम यहाँ पे स्पॉन हुआ था, ठीक है, आप ऐसे जो है स्पॉन हो जाओगे और फिर आप जो है आरपी के अंदर आ गए हो। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा ज्वाइन कर लोगे तो आपको जो है अपना प्लेयर जो होता है पूरा, उसको कस्टमाइज़ करना होगा कि आपने इसका शक्ल, इसके बाल, इसके कपड़े क्या रखने हैं। फिर अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और होती है जो कि मुझे आप लोगों को दिखानी है, वो ये है कि आप लोगों को सर्वर ज्वाइन करना है। जैसे कि ये सल्तनत रोल प्ले का सर्वर है, ठीक है, इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसका आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। अब इस सर्वर के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, जब आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, नंबर प्लेट्स, गाड़ियों की कस्टम आइटम शॉप, सारी की सारी। उसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो रहा है शहर में आने के बाद, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे सपोर्ट आना होता है, सपोर्ट की आप वेटिंग आ जाओ, ठीक है। आपको नियरेस्ट पॉसिबल कोई ना कोई लीडर जो है ड्रैग करके, जैसे सपोर्ट के बंदे होते हैं, वो आपका मसला सॉर्ट आउट कर देंगे। उसके अलावा जो है आपको जो है कोई गैंग ज्वाइन करनी है या क्या, वो तो आपके ऊपर होता है कि आपको जो है LSPD में जाना है, गैंग में जाना है, EMS में जाना है, RDX गैंग है, किसी भी गैंग को ज्वाइन करने के लिए उसकी वेटिंग में जाके आपको बैठना है। यहाँ पे बहुत सारी गैंग्स हैं, आपका इंटरव्यू होगा एक, उसके बाद आपको गैंग वाले सेलेक्ट कर लेंगे। इंटरव्यू के अंदर मेन चीज़ ये होती है कि आपको आरपी के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, तो ये सब कुछ है। आपको ज्वाइन जब करना होगा तो आप साथ साथ आपको ये भी ज्वाइन करना है, ठीक है। बाकी ये है कि बस आप किसी भी गैंग को ज्वाइन करके फिर आप एनालाइज़ कर सकते हो कि आपको आरपी में क्या चीज़ करनी है। उसके अलावा कोई और भी अगर आपको आरपी से रिलेटेड या कुछ भी, मतलब GTA कहाँ से परचेज़ करनी है या क्या सीन है, तो उसके रिलेटेड आपको कुछ पता करना है, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसको इंशाल्लाह बना दूंगा। Fearless.